आज की हमारी कहानी का नाम है नानी का जन्मदिन। गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं। समीरा और समीना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मम्मी पापा काम से छुट्टी लें और कब वो नानी के घर जाएं। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो नानी के घर पहुंच गए। नानी के घर जाना उन्हें बहुत पसंद था क्योंकि नानी उन्हें खूब सारी कहानियाँ सुनाती थी और बढ़िया बढ़िया खाना भी तो बना के देती थी। और मौसी समीरा के साथ बैट बॉल से खेलती थी और मौसा समीना को अपनी साइकिल पे बिठाकर सारे आसपास में घुमा के लाते थे। बहुत मज़ा आता था। एक दिन जब नाना नानी सो गए थे तो मम्मी पापा मौसी और मौसा बैठकर कुछ बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि 2 दिन के बाद नानी का जन्मदिन है। उन्होंने तय किया कि वो नानी के लिए हलवा बनाना चाह रहे हैं और ये बात समीरा और समीना ने भी सुन ली। अगले दिन सुबह सुबह वो भागी भागी मम्मी के पास आ गई और बोली, मम्मी मम्मी हमको बाज़ार लेके चलिए। मम्मी ने कहा, क्यों बाज़ार क्यों जाना है बच्चियों? उन्होंने कहा, हमें नानी के लिए बाज़ार से कुछ लाना है। मम्मी ने कहा, हाँ नानी के लिए कुछ ज़रूर दो तुम उनके जन्मदिन के लिए, पर बाज़ार से नहीं, क्यों नहीं तुम कोई ऐसी चीज़ देते हो जो तुम्हारी है और तुम्हें बहुत पसंद है, शायद वो ही नानी को पसंद आए। दोनों लड़कियां बहुत सोच में पड़ गईं, नानी को दें तो क्या दें। उन्होंने समीना ने सोचा, समझ आ गया, मैं तो अपनी छोटी सी गुड़िया दे दूंगी जो मुझे इतनी पसंद है, वो ही नानी को भी शायद पसंद आएगी। समीरा ने कहा, हाँ मेरा भी बात बन गई, मैं नानी को अपना बैट बॉल दे दूंगी, मुझे बहुत पसंद है, नानी भी खेलेगी। अगले दिन जब उन्होंने ये प्रस्ताव मौसी के सामने रखा, मौसी ने कहा, नहीं भाई नहीं, समीरा नानी शायद बैट बॉल से नहीं खेलेगी और समीना नानी को गुड़िया तुम्हारी बहुत पसंद है पर शायद वो गुड़िया से खेले ना। दोनों लड़कियां फिर बहुत सोच विचार में पड़ गईं, नानी को दें तो क्या दें। तभी चहककर छोटी सी समीना बोली, समझ आ गया। दोनों ने किसी को नहीं बताया कि वो अगले दिन नानी को क्या देने वाली है। नानी के जन्मदिन की तैयारी सुबह से शुरू हो गई। मम्मी पापा ने मौसी मौसा के साथ मिलकर हलवा बनाया। नाना गए और बाज़ार से गरम गरम समोसे लेके आ गए और जब सब बैठकर खाने ही वाले थे तो समीरा और समीना दौड़ती हुई आईं और उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में थी एक लॉलीपॉप और उन्होंने खट से वो लॉलीपॉप नानी को दे दी और कहा, ये नानी ये लॉलीपॉप आपके लिए है। मम्मी ने देख के बोला, हाँ बच्चियों लॉलीपॉप, नानी लॉलीपॉप खाएंगी क्या? नानी ने कुछ झिझकते हुए कुछ शर्माते हुए बोला, लॉलीपॉप तो मुझे बहुत पसंद है, इधर आओ समीरा और समीना, जल्दी से मेरे गले लग जाओ, तुम कितनी प्यारी बच्चियाँ हो, तुम्हें कैसे पता था कि मुझे लॉलीपॉप इतनी पसंद है। फिर सब ने बैठकर खाना खाया जो मम्मी पापा मौसी मौसा और नाना लाए थे और नानी ने अपनी लॉलीपॉप खाई। सब ने खूब मज़ा किया।